शिमला में होटलों की एडवांस बुकिंग शुरू। माल रोड के होटलों में बड़ी एडवांस बुकिंग, होटल कारोबारियों का बढ़ा कारोबार। हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की चादर बिछने के बाद से क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने की बड़ी संख्या में सैलानी पर्यटन नगरी शिमला पहुंच रहे हैं। शिमला में क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। शिमला के साथ साथ कुफरी, नारकंडा, मशोबरा के होटल और होमस्टे की एडवांस बुकिंग चल रही है। शिमला शहर के होटलों में करीबन 25% कमरे एडवांस बुक हो चुके हैं। माल रोड के आसपास के होटलों में ऑक्यूपेंसी 90% तक पहुंच गई है। ऐसे में नवंबर माह में ही शहर के बड़े होटल एडवांस में पैक होने की संभावना है। दिसंबर में सैलानियों को होटल ढूंढने में मुश्किल भी हो सकती है। वीकेंड में शिमला के होटल 70% तक भर जाते हैं, लेकिन 15 दिसंबर के बाद विंटर सीजन शुरू होने की संभावना है, जिससे कारोबार में तेजी आने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। बता दें, सैलानियों को शिमला का मौसम अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जो सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं, उनका यही कहना है कि यहां का मौसम बहुत ही ज्यादा लुभावना है। सॉरी फॉर माय हिंदी, माय मदर टंग इज नॉट हिंदी। तो हम गए थे मशोबरा एंड वहां पे एक प्रॉपर्टी लिए थे रेंट में। इट वाज रियली नाइस, वी स्पेंड द नाइट देयर। पूरा रात बदरी थे और दोस्त लोग भी आए थे साथ में। तो मौसम की बात करें, कितना फर्क आपको हैदराबाद और शिमला में? वो तो कंपैरिजन का बात है ही नहीं। हम लोग एक्चुअली मनाली जाने वाले थे, लेकिन हमको लगा मनाली दूर पड़ेगा इधर से, तो मतलब हम वापस दिल्ली जाना पड़ेगा, तो दूर पड़ेगा बोल के हम शिमला आए थे। और टेम्परेचर में तो फर्क तो है, पक्का है जी। तो जैसे अभी हैदराबाद में कुछ 30 या 32 डिग्रीज हो रहा होगा, और इधर पे शायद 15-16 डिग्रीज है, तो बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका शिमला? दिस माल रोड इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है। पंजाब से यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ थोड़ी ठंड है, इधर ठंड थोड़ी ज़्यादा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। जैसे हम तो अभी आए हैं, 10-15 मिनट हुई है, जैसे हमने तो यही देखा, पहाड़ दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अर्थ प्रकाश के लिए शिमला से देव की रिपोर्ट।